किया तो क्या क्या कोर्स से ज्वाइन किया था और कैसे ज्वाइन किया? मुझे ये सिस्टम के बारे में बताया गया कि ये एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का ऑप्शन है, तो पहले तो मुझे समझ में आया कि मैं इसका क्या यूटिलाइजेशन करूं। फिर जब मैंने देखा कि मैं मेरे वाइफ के ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट के लिए फेसबुक पे तमाम ग्रुप में पोस्टिंग करता था, यहाँ मुझे बिना वो मेहनत किए सब मिल जाएगा, तो मैंने थोड़ा इस कंपनी के बारे में इंटरनेट पर जाके सर्च भी किया, क्योंकि कोई भी कंपनी में कोई भी जना पैसा लगाता है तो पहले देखता है। तो मैंने देखा वहाँ पर, मुझे सब इसके बारे में अच्छा दिखा, कुछ एक दो नेगेटिव चीज़ें थी बट समझ में आ गया कि वो कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जिन्होंने लिखा है। तो फिर मैंने ये कंपनी से अपना डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का प्रमोशन का पैकेज खरीदा। तो मैंने दो पैकेज खरीदे थे, 57,500 रुपीज़ पे किया था, जिसकी कि सर्विस टैक्स पेड इनवाइस भी मिली मुझे, जो कि मैंने सीए को दिखाई तो बोले हाँ ठीक है, आप अपने बिजनेस के खर्चे में भी डाल सकते हो। और उसके बेसिस पे मेरी वाइफ के पेज पे करीब 1800-1900 लाइक्स अब तक आ चुके हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे जब हम अपने डिस्काउंट ऑफर वगैरह डालते हैं तो काफ़ी इंक्वायरीज भी आती है और उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। इसके लिए पहले बहुत मेहनत करते थे, अभी हमको आसानी से बिजनेस मिलता है। तो मतलब जो फेसबुक की पावर है वो हमको समझ में आई कि वो फेसबुक का पेज जो हमारा है उसकी वजह से हमको काफ़ी। ये जो आप लाइक करते हैं तो जो इस कंपनी के मेंबर बने हुए उन्हीं में लाइक होता है या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में या फिर पूरे इंटरनेट पे सर्कुलेट होता है? सर पहली चीज़ तो जो मैंने खरीदा वो मैंने अपना प्रमोशन खरीदा, तो मैंने लाइक नहीं किया, लोगों ने मेरे पेज को लाइक किया। और वो जो था उसके लिए भी कंपनी ने मुझे फिल्टर्स के ऑप्शन दिए थे कि मैं मेरा लाइक कहाँ कराना चाहता हूँ। तो चूंकि हम ईस्ट दिल्ली में रहते हैं तो मैंने वहाँ पे फिल्टर्स चूज किए थे, एक तो नेल पॉलिश ये सब है इनका प्रोडक्ट, तो मैंने फीमेल और एज ग्रुप कौन सा होना चाहिए उसके हिसाब से दिल्ली और ईस्ट दिल्ली चूज किया था। तो जो मेरे को इंक्वायरी किया वो सब ईस्ट दिल्ली से आई, तो मतलब हमको कहीं ज़्यादा भागना नहीं पड़ा। आप भी तो हमारे नज़दीक, हाँ वो हमको सेकेंडरी एक ऑप्शन मिला था कि जो हम पैसे दे रहे हैं हम चाहें तो। पहली बार ऐसा मौका मिला कि मैं एडवर्टीजमेंट पेपर में करूं और बदले में रद्दी नहीं बेचनी पड़े, मुझे उसके अच्छे पैसे मिल जाए। रद्दी बेच के तो 5 रुपये मिलने थे, लेकिन यहाँ पर तो हम हमारी प्रमोशन को भी फ्री करा सकते, तो उसके लिए भी हमको काम मिला। बट हम लोग अपने अपने कामों के बाद जब टाइम मिलता था तो जितने भी क्लिक हम कर पाते थे उतने पैसे हमको आ जाते थे। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कंपनी की दिखी कि वो पैसे बड़े टाइम पे देती थी। बीच में जरूर हालांकि कुछ दिन में थोड़ा डिस्टर्बेंस चला, जिसके लिए वेबसाइट पर सब नोटिफिकेशन भी आ रहे थे कि कुछ तो ऑडिट चल रहा है जिसकी वजह से पेमेंट